नमस्कार, मैं हूं मनीष। पाउच में बंद प्रोडक्ट जैसे हल्दीराम, कुरकुरे, लेस, चिप्स, तमाम तरह के ऐसे प्रोडक्ट जिनका यूज़ तो आप कर लेते हैं पर उसके बाद आप रैपर अक्सर फेंक दिया करते हैं। आपने कभी सोचा है कि रैपर या प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना हार्मफुल है? अगर आपने कभी नहीं सोचा तो ये खबर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हल्दीराम, कुरकुरे, लेस जैसी जो कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्ट तो बेचते हैं पर प्रोडक्ट बेचने के बाद जो प्रोडक्ट का एक हिस्सा रह जाता है जिसे प्लास्टिक या पाउच के तौर पे हम देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद हम उस प्लास्टिक को फेंक देते हैं और वो किस तरह से पर्यावरण के लिए घातक होता है, इस बात को लेकर होली क्रॉस के युवा बच्चे हैं जो मैसेज देना चाहते हैं समाज को। क्या मैसेज देना चाहते हैं हम उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग खुद भी इतने सारे रैपर्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और हम लोग उसको यूज़ करने के बाद प्लास्टिक फेंक देते हैं जो जानवर खाते हैं उनको नुकसान करता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक बार ये बन जाते हैं तो ये मतलब हमेशा हमेशा के लिए इस अर्थ पर रहते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम इनको इकट्ठा करके प्रोड्यूसर्स को वापस भेजें, उनको ये बताएं कि आप प्लास्टिक तो बना देते हैं लेकिन आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते। जो दुनिया को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं वो नुकसान हमेशा के लिए है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि प्रोड्यूसर्स इनको देखें, ये इससे ये मैसेज लें कि हम लोग उनको ये बताना चाहते हैं कि वो प्लास्टिक्स की वजह की जगह कोई और ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिनको हम जो बायोडिग्रेडेबल हों, जिनको हम ख़त्म कर सकें या जो हमारे अर्थ को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो ये जो मैसेज है सिर्फ प्रोड्यूसर्स के लिए है जो बना के प्लास्टिक को फेंकने के लिए मजबूर करते हैं, या ये सरकार के लिए भी है कि इस तरह के प्लास्टिक पर बैन होना चाहिए? सर, ये बिल्कुल सरकार के लिए भी है क्योंकि प्रोड्यूसर्स इसे यूज़ तभी करते हैं जब सरकार उनको अनुमति देती है। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इनका बैन करें। बहुत सारे स्टेट्स में इनका बैन हो भी चुका है और हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट में पूरी दुनिया में प्लास्टिक बैन हो। देखिए, प्लास्टिक बैन पे हमेशा बात होती है पर इस तरह के प्लास्टिक जो वन टाइम यूज़ होता है उसके बाद वो फेंक दिया जाता है, इस तरह के प्लास्टिक पे कभी किसी का ध्यान नहीं जाता। कुछ और भी स्टूडेंट हैं, आप ये बताइएगा कि हम बहुत सारे पेंसिल्स हैं, पेन हैं, रबर कटर, ऐसे जो सामान हैं इनको इकट्ठा किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? इन सामान को हमने पूरे साल भर कैंपस से अलग अलग जगह से उठाया है। क्या रहता है कि जब ये पेंस को लोग यूज़ करते हैं और उसके बाद इनको फेंक देते हैं, उसके उनको ये नहीं पता रहता है इसके फेंकने के बाद कितना नुकसान होता है एनवायरनमेंट को इससे। तो हम इनको वापस से इकट्ठा करके रीयूज़ करते हैं, इनके अंदर वापस से रिफिल भरते हैं ताकि ये वापस से रीयूज़ किया जा सके उन बच्चों के पास जिनके पास लिखने के लिए सामान नहीं रहता है, पढ़ने के लिए कॉपी किताब नहीं रहती है, उनके लिए इनको हम वापस से फिल करते हैं ताकि वो यूज़ कर सकें। हम लोगों ने देखा कि जगह जगह पे इनका ढेर रहता है, बाहर स्कूल के बाहर निकलते ही रैपर्स पड़े रहते हैं, बच्चे खाते हैं और उसको ज़मीन में फेंक देते हैं। तो बस इन सबको देख करके हमें एक साथ डिसाइड किया और फिर ये आइडिया आया। एक बार हम लोग ने ऐसे ही देखा कि वो बहुत एक जगह पर ज़्यादा पेंसिल्स इकट्ठा होती थी, तो हम लोग ने ऐसे ही सोचा कि उसको एक क्यों ना इकट्ठा करके उन लोग को दे जिनकी ज़रूरत हो, जो इनको अफोर्ड ना कर पाए, जिनका सच में मन हो करने का, यूज़ करने का इसको। ये जो प्लास्टिक के जो रेपर हैं, ये प्लास्टिक हैं, रेपर हैं तमाम कंपनियों के, ये आप कंपनियों को वापस भेजने जा रहे हैं, तो कितनी संख्या में ये प्लास्टिक होंगे और किन किन कंपनियों के मैसेज रेपर हैं जिनको आप वापस भेजकर जो है वो जताना चाह रहे हैं आप कि प्लास्टिक बैन होना चाहिए? सर, हम इन प्लास्टिक्स को कलेक्ट करके जिस कंपनी के ये प्रोडक्ट के प्लास्टिक्स थे हम उनको वापस उनके सेंटर पर भेज रहे हैं ताकि उनको पता चल सके कि वो जो हम लोग को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं वो तो यूज़ हो जाता है पर उसके बाद जो प्लास्टिक बच जा रहा है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल है, कितना हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, और ताकि उनको रियलाइज़ हो कि जो वो प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं वो कितना डेंजरस है हमारे सोसाइटी के लिए। जो मैं एक ऐसा भावना उत्पन्न करना है कि उनको अपनी ज़िंदगी खुद के लिए केवल जीना नहीं है, दूसरों के लिए भी जीना है, दूसरों का प्रॉब्लम्स को समझना है, अपने तरफ से जो बन पड़ता है उनको करना चाहिए। तो आपने देखा कि होली क्रॉस सीनियर सेकेंडरी के जो बच्चे हैं वो किस तरह से प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरण को नुकसान को लेकर चिंतित हैं और गंभीर नज़र आ रहे हैं, शायद इतना हम भी नहीं। साथ ही स्कूल के बच्चे इस बात की भी सीख देते हैं कि यदि स्कूलों में छोटे पढ़ने वाले आपके छोटे छोटे बच्चे जो आए दिन आपसे रबर, पेंसिल या कटर की मांग करते हैं, तो इस बात को हर माता पिता को समझना होगा कि आपके बच्चे क्या उन सभी चीज़ों का उपयोग सही तरीके से करते हैं या
स्कूलों में ले जाकर उन्हें फेंक देते हैं, जिससे बेवजह आपके जेब पर भी एक अच्छा खासा असर पड़ता है।